ये देखिए, ये सौभाग्य योजना जो कि प्रधानमंत्री जी 16,320 करोड़ रुपए खर्च करके, ये जो सौभाग्य योजना मीटर बोरी में है और बिल आ रहा है 427 रुपए, और जो गोदी मीडिया है जो हिंदू मुस्लिम तीन तलाक लव जिहाद के नाम पर लोगों को बरगलाती है, डिबेट कराती है, वह कभी कम से कम ग्रामीण स्तर पे आए। जो लोग डिजिटल इंडिया, मेकअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, उनको कम से कम गाँव में आना चाहिए, ज़मीन पर उतरना चाहिए, और उनको ये देखना चाहिए कि वास्तव में ग्रामीणों को, देश के लोगों को किस तरीके से छला जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं जो कि जापान में जाते हैं, वहां से 1,00,000 करोड़ रुपए का कर्जा लाते हैं इस देश में बुलेट ट्रेन चलाने के लिए, और गरीबों का देखिए कि स्थिति यह है कि उनका मीटर बोरी में भर के पैक किया हुआ है, उसके बावजूद भी 427 रुपए महीने उनके बिजली का बिल लिया जा रहा है। मैं आप लोगों को कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहूंगा इन ग्रामीणों की। अच्छा, ये आप लोगों को बताना होगा। अच्छा, ये बताइए कि जो ये सारी शिकायतें हो रही हैं, यहाँ कुछ हुआ नहीं, तो क्या प्रधान जी जो यहाँ के हैं, जो प्रधान जी हैं, क्या प्रधान जी से आप लोगों ने शिकायत नहीं किया कि हमारे यहाँ विद्युतीकरण के नाम पे लोग फर्जी जो है कनेक्शन करके चले गए, हमारा बिल आ रहा है, और इसका जो है आप शिकायत करिए या यहाँ विद्युतीकरण कराइए। प्रधान जी से हम जब कहा तो प्रधान जी कहे नहीं कि भाई तो सर्वे तो हम कराए दे रहे, लेकिन अब ऊंचे अधिकारी के लेके जाए के हो तब काम हुए, जात जाओ अंदर कराओ जाए अपन काम। तो एक तरीके से यह पूरे तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है लोगों को, ऊपर से नीचे तक लोग मिले हुए हैं, अधिकारी मनमानी ढंग से अपना काम कर रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप देखे होंगे कि शायद ऐसी तस्वीर आपको कभी गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी। आज की मीडिया ऐसी है कि वह सरकार से बड़े बड़े विज्ञापन लेकर के, प्रधान जी ऐसे रहेंगे थी अपने घर अपने गाँव में कबो रहेंगे थी ऐसे रोड रहा। और देखिए ये बस्ती की हालत देखिए आप, कि कितने गरीब लोग हैं, कि लोग पहाड़ों पे काम करते हैं, खदानों में काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं और किसी तरीके से गुजर बसर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद न यहाँ रोड है, न यहाँ सड़क है, न आवास है, और ये देखिए शौचालय भी बना हुआ है। इनका शौचालय की स्थिति यह है कि अभी लोग यूज नहीं किए हैं, लेकिन वह अभी उसके दरवाजे फट चुके हैं पूरी तरीके से। देखिए इनका दरवाजा फट चुका है, ये देखिए दरवाजा है। तो एक अगर देखा जाए तो वास्तव में कि ग्रामीण स्थिति क्या है, गाँव की तस्वीर क्या है, गाँव की तस्वीर आपको देखनी होगी। जिस सड़क से आप चल रहे हैं इसको देख सकते हैं कि यहाँ चारों तरफ पानी भी भरा हुआ है, और बिजली का बिल, बिजली का बिल का रसीद हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ अंधभक्त टाइप के लोग आए होंगे, देखिए बिजली की रसीदें है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिजली का बिल अब नहीं आता है, सीधे मोबाइल पे मैसेज आता है। ये मैसेज देखिए सीधे सीधे आया हुआ है, 20/8/2019 को भुगतान करने का कष्ट करें, अब बिल है 474 रुपए। इसको देखिए आप लोग, ये सारे लोगों के मोबाइल पे आता है, ये बिजली का बिल नहीं आ रहा है, अब सीधे सब ऑनलाइन है, इसको देख सकते हैं तमाम लोग हैं। हम आपको और चल के दिखा रहे हैं कनेक्शन जो कि बक्सों के अंदर कनेक्शन, ये लोग बक्सों के अंदर किए हैं कि जहां की महिलाएं देश की देखिए वास्तविक स्थिति क्या है, वास्तव में जो है गरीबी क्या होती है ये समझ सकते हैं, किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और लोगों का शायद बोरियों में जो है मीटर रखा हुआ है, उनका भी कनेक्शन बोरी में हुआ है, 474 रुपए का बिल आ रहा है। आप आइए, प्रधान जी से रोड के बारे में कहा जाएगा तो बोलेंगे चलो जब योजना आएगा तब बनेगा। देखिए वास्तव में जो गरीब होते हैं, गरीब लोगों को चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे गांव के प्रधान हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, सबकी यही स्थिति है। और मैं जिस जगह की आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, यह भी आप देखिए कि यहां के इस समय भारतीय जनता पार्टी के वास्तव में जो है 7 विधायक हैं, यहाँ 3 मंत्री हैं और 2 सांसद हैं।
तीन तीन मंत्रियों का यह जिला है जहां की मैं स्थिति आपको दिखा रहा हूं। ये लोग डिजिटल इंडिया, मेकअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं और ये जो विकास की बात करते हैं, यह मुट्ठी भर पूंजीपतियों के विकास की बात करते हैं। और उनका कहना यह होता है कि अगर अडानी और अंबानी का विकास हो गया तो पूरे देश के विकास को अडानी का विकास माना जाता है। और देश के लोगों के खून पसीने की कमाई ये लोग किस तरीके से लूटते हैं और लूट करके लाखों करोड़ रुपए अडानी और अंबानी के यहाँ और उसको उनके कर्जे माफ कर देते हैं। और इनको तो शायद कि कर्जे भी नहीं मिलते हैं। इन देखिए, एक मीटर सामने रखा हुआ है और मीटर इतना बढ़िया आपको हम दिखाएंगे कि तीन बार भी ला चुका है इन लोगों का। और मीटर लगाने के बाद देखिए, तार लपेट करके यहीं रखा हुआ है, तार लपेट के सीधे यहीं रखा हुआ है, कहीं इसका जो है कनेक्शन नहीं है, यहाँ लाइट ही नहीं है। कम से कम 1 किलोमीटर दूर तो यहाँ से ट्रांसफार्मर है और वह भी दूसरे गांव सभा में, इस गांव सभा में ट्रांसफार्मर भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कागजों पर 16,320 करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए गए और प्रति घरों में जा करके 474 रुपए वसूले जा रहे हैं हर महीने। ये गरीब लोग कहां से जमा कर पाएंगे, कैसे जमा करेंगे, जो कि कहीं तब ना पोलोन में सिंगल तार है, ये ना खंभा है, पोल खंभा तो यहां कहीं दिख ही नहीं रहा है, पोल खंभा तो कहीं है ही नहीं है, बल्कि यहां हाई टेंशन तार है तो उससे तो लाइट आ नहीं सकती है। देखिए यहां भी शायद बक्से में है, इस घर में अच्छा देखिए, हम आपको यहाँ भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ भी कनेक्शन जो हुआ है शायद वो बक्से में हुआ है, मीटर बक्से में रखा हुआ है। देखिए ये मीटर आ रहा है, देखिए ये आप देख सकते हैं, ये कनेक्शन है, ये इनके हाथ में है, मीटर इनके बक्से में रखा हुआ था। आप देख सकते हैं कि ये पूरे गांव की यही स्थिति है कि इनको जो मीटर दिया गया है, ये सारे मीटर ये लोग अपने बक्से में रखे हुए हैं, इतने संजो के रखे हैं कि मानो जैसे कि ये रुपए पैसे संजो के नहीं रखते हैं, वैसे मीटर संजो के रखे हुए हैं। इनको कनेक्शन के नाम पे बेवकूफ बनाया गया। इस मीटर का पैसा भी ले गए थे लोग? अच्छा, मीटर का पैसा नहीं ले गए थे, लेकिन अब आपको तो हर महीने 427 रुपए देना पड़ेगा, चूंकि आप देखा सा है जो नहीं लगा भाई में तो हम बचे, हम जलता ही ना बात, हम चाहे कर दिए भाई। लेकिन सरकार इस चीज को नहीं मानेगी, अभी इसके लिए तो आप लोगों को मैं ये कहूंगा, तो सरकार से कहवा तो मन ही कहे ना। देखिए एक जो है किस तरीके से गरीबों से यह बिल वसूला जा रहा है, इसके लिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि ये गरीब लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है यह अन्याय न होने पाए। चूंकि जो डिजिटल इंडिया, मेकअप इंडिया की बात हो रही है, जो गोदी मीडिया है, मैं उस गोदी मीडिया से यह कहना चाहूंगा कि जो गोदी मीडिया है वह अपनी आंखें खोले और जमीन पे आए, जमीन पे आकर के यहाँ देखे कि किस तरीके से देश की स्थिति है। ये हिंदू और मुसलमान, तीन तलाक, लव जिहाद, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान का जो डर दिखाती है, उस डर से बाहर निकले और कम से कम ये वास्तव में दिखाए कि यह जो गांव की तस्वीर है यह क्या है। लेकिन आज लोग स्टूडियो में बैठे रहते हैं, स्टूडियो में बैठे बैठे वहां से ही सरकार की वाहवाही करते हैं, लेकिन हम आपको असली तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए इनका भी मीटर आ रहा है, ये देख सकते हैं कि आप लगभग कम से कम 10 घरों में देखे होंगे कि मीटर की क्या स्थिति है। इनका भी मीटर बक्से में रखा हुआ है और इनका भी बिल 474 रुपए इनका भी बिल आ रहा है। यह देखिए हकीकत है, गांव की हकीकत है, देश की हकीकत है। ये आपको कब से मिला है? एक साल। अच्छा, सबके साथ यानी 7-8 महीने हो गया, 7-8 महीने हो गया। आप समझ सकते हैं कि 474 रुपए महीने इनसे बिल वसूला जा रहा है, इनके घरों में लाइट नहीं जल रही है और कनेक्शन जब से हुआ है तब से इनका तेलों, मिट्टी के तेल का यूनिट भी कम हो गया, किरोसिन भी नहीं मिल रहा है। किस तरीके से ये लोग शाम को खाना बनाते होंगे, किस तरीके से अपना जीवन गुजार रहे हैं आप देख सकते हैं। देखिए सामने शौचालय भी बना हुआ है और इसमें दरवाजा भी नहीं है शायद। अच्छा, दरवाजा टूट के निकल गया है।
मतलब हल्का है ना। हाँ हाँ हाँ, जिस तरीके से बना है कि इसका जो है दरवाजा भी टूट के बाहर हो गया है। अच्छा 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 अच्छा, चलिए हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। और आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि इसे जितने भी ग्रुप होंगे आप लोगों को उन ग्रुपों में शेयर करिए, और एक गोदी मीडिया जो है वह शर्म से डूब के मर जाए, वह शर्म से पानी पानी हो जाए कि जिस तरीके से ये लोग गांव की खबर नहीं दिखाते हैं। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, स्किल्ड इंडिया की बात करते हैं, मेकअप इंडिया की बात करते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, गांव स्मार्ट नहीं होगा, तब तक स्मार्ट सिटी की कल्पना नहीं की जा सकती है। आप देख सकते होंगे कि वास्तव में वास्तविक स्थिति क्या है। देखिए देखिए, उनका भी मीटर आप देख सकते हैं कि घर में रखा हुआ है। आप निकाल के देखिए, यह भी मीटर इनका भी जो है बोरियों में रखा गया है। यह कनेक्शन हुआ है, जो लोग कागजों में कहते हैं कि हम जो है 4 करोड़ घरों में कनेक्शन दे चुके हैं, 4 करोड़ घरों में जो है बिजली रोशन हो चुका है, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है हम आपको दिखाते हैं। देखिए, यह कनेक्शन इनका बोरी में हुआ है, और यह मीटर भी बोरी में रखा हुआ है, और 474 रुपये महीना इनका बिजली का बिल चालू है लगातार। देखिए, यह रोशन है जो 4 करोड़ घरों में बिजली दी गई है। आप यहाँ आइए, बोलो हमें बताओ। ये कहा जाता है कि जो है मीटर लगा है तो घरों में बिजली जल रही है। नहीं नहीं जलता। तो आप लोग जब बोरी में रखे हैं तो कैसे जलेगा? आपका बिल तो लग रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि 1 किलोमीटर दूर पोल तक नहीं है, यहाँ तार तक नहीं है, लेकिन कनेक्शन दे दिया गया है। कैसे जलाई हमका चीज? अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए कि जो स्थिति है वास्तव में आप देख सकते हैं, ये घर के देखिए, ये घर के मुखिया हैं, जो कि हमेशा इनको देख सकते हैं आपकी शायद बीमार भी रहते हैं। ऐसे लोगों को भी सरकार नहीं छोड़ पा रही है। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, घर पे रहते हैं। मेरा जैसे नीमक खिया चाहे रोटी खिया। अच्छा, यानी मजदूरी आप करती हैं? हाँ, मजदूरी करती। अब आप समझ सकते हैं कि जिस घर की महिलाएं मजदूरी करके अपने घर की परवरिश कर रही हैं, अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। अच्छा, वो सब कर्ज लेके हुआ होगा। अब नहीं तो सरकार तो ये कहती है कि हम 5 लाख रुपए का स्मार्ट कार्ड बनाए हैं, उस पर इलाज फ्री होता है। कुछ नहीं कर रहे, दवा सब फ्री बकवास है, दुनिया भर के ऐसे सब कह जाते हैं, नहीं जाते हैं दवाई नहीं करते। यानी तो जो स्मार्ट कार्ड बना है उसकी यहाँ अस्पताल ही नहीं है, लगभग जो है शहर में जाना पड़ेगा। शहर में जाए तो वहाँ मारत कहीं उसका सब नहीं है, सब पैसा दोगे तब काम होगा, ऐसे नहीं होगा।